सीआरपीएफ 122 बटालियन ने वसंत कुंज स्थित हेडक्वार्टर से कुतुब मीनार तक वॉकथॉन किया है, और इस दौरान ही जवानों के अलावा आपको बता दें कि उनके परिजन समेत कई सैकड़ों इसमें आम नागरिक भी इसमें शामिल हुए हैं। और इसी दौरान हाथों में तिरंगा लेकर के देशभक्ति की धुन पर और देशभक्ति के नारेबाजी के साथ में 5 किलोमीटर तक पैदल चल करके कुतुब मीनार पर जाकर के वॉकथॉन का उन्होंने समापन किया। देश इन दिनों देशभक्ति के रंग में रंग चुका है। इस साल आजादी के अमृत महोत्सव का समापन है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा लगाना है, और आजादी के अमृत महोत्सव का समापन करते हुए देश के हर नागरिक का देश प्रेम का जज्बा जगाना है। उसी के तहत देश भर में कहीं तिरंगा यात्रा तो कहीं वॉकथॉन का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सीआरपीएफ की 122 बटालियन के जवानों ने वसंत कुंज स्थित हेडक्वार्टर से कुतुब मीनार तक कुल 5 किलोमीटर तक वॉकथॉन का आयोजन किया। इस वॉकथॉन में 122 बटालियन के जवान, उनके परिवार के लोग और आम पब्लिक ने हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा लेकर हेडक्वार्टर से ये वॉकथॉन शुरू हुआ। ये वॉकथॉन पैदल चलते हुए 5 किलोमीटर का सफर तय कर कुतुब मीनार पर समाप्त हुआ। रास्ते भर देशभक्ति के गाने बजते रहे और भारत माता की जय और अन्य देशभक्ति नारों से पूरा इलाका गूंज रहा था। रास्ते भर लोगों ने इस वॉकथॉन का स्वागत किया। समापन स्थल पर सीआरपीएफ का बैंड और रंगारंग कार्यक्रम की भी प्रस्तुति हुई। यहाँ पे इस परिसर पे हमें जो है देश के लिए कुछ करने का जज्बा मिलता है, और उसी के तहत ये वॉकेथॉन में हम लोग सब लोग ने एकजुट होकर 122 बटालियन सीआरपीएफ फैमिली ने वॉकेथॉन की, और हम लोग ने प्रयास किया है कि जाते समय जितने लोगों को हमारे अंदर जो देशभक्ति का जज्बा है उनको उनके अंदर भी भरे। और हमें जो सड़क पे रिस्पांस मिला उससे हम बहुत ज़्यादा खुश हुए और बहुत अच्छा लगा, जोश मिला हमको उससे। दूसरा, हम ये कहना चाहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति करना चाहते हैं, हमें किसी और चीज़ से मतलब नहीं। ये हर घर तिरंगा के तहत ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा किया जाए, हर घर में तिरंगा लहराया जाए, जिससे कि जो आने वाली पीढ़ी है उसमें देशभक्ति का संचार हो। इसी के तहत ये वॉकेथॉन किया गया, जिसमें तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी जो हमारे हेडक्वार्टर 122 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से और कुतुब मीनार की दूरी तय की गई है। और ये पदयात्रा में हमारे जवान, उनके परिवार, इसके अलावा आम नागरिक जुड़े हैं। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सीआरपीएफ 122 बटालियन के कमांडेंट आलोक श्रीवास्तव ने कहा कि अमृत महोत्सव के समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ऐलान किया था उसी के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि वैसे तो हमारा एक एक सैनिक देश सेवा के लिए रात दिन एक किए रहता है, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम से जवानों में और भी जोश और आम जनता के दिल में भी देश प्रेम की भावना जागती है। उन्होंने कहा कि देश सेवा में जिन जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है या फिर देश को आजाद करवाने में जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है, उनके लिए मेरा देश मेरी माटी के तहत उनके यहाँ से माटी लाकर पूजा करेंगे ताकि उनके बलिदानों को सभी याद रखे। दिल्ली से टोटल टीवी के लिए संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट।